जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत रेगुलरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी रहती है। पर्सनली मेरे को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था जब मैं तैयारी कर रहा था इस पर्टिकुलर टॉपिक को याद करना। टॉपिक है आपका न्यूज़पेपर्स, बुक्स और उनके जो भी राइटर्स हैं या जो भी फाउंडर्स हैं, क्योंकि ये नाम इतने सारे हैं और इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है और पेपर में रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वनडे एग्जाम्स टू यूपीएससी लेवल एग्जाम्स, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल सबका स्वागत करता हूँ टीम मिश्रा पर। चलिए, तो हिस्ट्री हर्ट्स, यस, स्पेशली द फैक्ट्स वाला पार्ट आपने समझ लिया, बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री की, बट फैक्ट्स को याद करना मुश्किल हो जाता है। तो वही इस जो सीरीज़ है उसका मोटिव ही ये है कि किस तरीके से हम इन सेशंस को या इन टॉपिक्स को याद कर सकें। चलिए, सो डोंट वरी, ट्रस्ट मी, जब तक ये सेशन कंप्लीट होगा तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी। और इसी सेशन को जब आप 2-3 बार देख लेंगे, ट्रस्ट मी, आप नहीं भूलेंगे चीज़ों को, ठीक है, जब आप उससे उस तरीके से रिलेट करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, बुक्स, उनके राइटर्स, उनके फाउंडर्स, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है जेम्स ऑगस्टस हिकी, ठीक है। पेपर जो था बंगाल गेजेट था, 1780 कैलकटा में। पेपर का नाम था बंगाल गेजेट, जेम्स ऑगस्टस हिकी। अब इसकी ट्रिक क्या है, बंगाल में अगस्त में गजब का जाम मिलता है, ठीक है। बंगाल में अगस्त में क्या है, बारिश का सीजन होता है, ठीक है जी, कोलकाता वाले रीजन में इस तरीके से आपको क्या है, बहुत जाम मिलता है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश की वजह से जाम आपको वहां पर मिलता है, ठीक है। चलिए, तो बंगाल हो गया, अगस्त से ऑगस्टस हो गया, जाम से जेम्स हो गया, जो ये जाम है जेम्स ऑगस्टस, ठीक है। और बंगाल में अगस्त में गजब, गजब से क्या हो गया, गेजेट, ठीक है। तो ये आपका यहां पर बंगाल गेजेट हो गया, ऑगस्टस हो गया और जेम्स, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस। तो बंगाल में अगस्त के महीने में बहुत जाम मिलता है जी, कैलकटा में बहुत जाम मिलता है, ठीक है। तो ये जेम्स ऑगस्टस हिकी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हेनरी लुइस विवियन डेरिजो, इनका पेपर था इंडिया गेजेट। जैसे ये क्या था, बंगाल गेजेट, ये था इंडिया गेजेट, ठीक है, 1787 कैलकटा। इंडिया में बहुत गजब, विविध और डेयरिंग बंदे मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत, मतलब जो है, डेयरिंग लोग मिलते हैं, बहुत गजब तरीके के लोग मिलते हैं, बहुत विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है और बहुत डेयरिंग लोग मिलते हैं, ठीक है जी। तो इंडिया, इंडिया से इंडिया गेजेट हो गया, गजब, ठीक है, इंडिया गजब, इंडिया गेजेट हो गया। और हेनरी विविध से क्या हो गया आपका, विवियन, डेयरिंग से डेरिजियो, ठीक है। तो ये हो गया आपका विविध से, विविध और डेयरिंग से आपको याद रखना है, विवियन और डेरिजियो। और यहां पे इंडिया में बहुत गजब जो है लोग मिलते हैं, तो ये हो गया आपका इंडिया गेजेट, ठीक है जी। तो इस तरीके से जब आप चीजों को रिलेट करेंगे पेपर में, आपको स्ट्राइक करना चाहिए चीजें, ठीक है, पेपर में इसको देख के आपको याद आना चाहिए कि हाँ, कुछ ऐसा पढ़ा था, इंडिया में जो है बहुत विविध तरीके के लोग हैं, बहुत गजब लोग रहते हैं, ठीक है जी, डेयरिंग लोग रहते हैं। नेक्स्ट आता है विलियम एशबर्न ने लिखा पेपर, या पेपर पब्लिश था बॉम्बे हेराल्ड, फर्स्ट पेपर फ्रॉम बॉम्बे, 1789 बॉम्बे, ठीक है जी, वे बैक इन 1789। ट्रिक है, बॉम्बे में हर एलिमेंट को एश तक बर्न किया जाता है, जिन एलिमेंट्स जो बादाम है उनको बर्न करके, उनको स्वीटन करके, मतलब मीठे जो हैं करके खाया भी जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, बॉम्बे में हर एलिमेंट को एश तक बर्न किया जाता है, ठीक है। तो बॉम्बे में हर एलिमेंट, एलिमेंट से क्या हो गया, हेराल्ड, बॉम्बे से बॉम्बे हो गया, एश तक बर्न किया जाता है, तो एश बर्नर हो गया, ठीक है। बॉम्बे में हर एलिमेंट को, एलिमेंट, हर एलिमेंट से क्या हो गया, हेराल्ड हो गया, और एश तक बर्न किया जाता है, एश बर्नर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका विलियम एश बर्नर ने बॉम्बे हेराल्ड, फर्स्ट पेपर फ्रॉम द बॉम्बे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दिग्दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन पहला बंगाली मंथली, मतलब महीने में एक बार आता था, 1818 कैलकटा, पब्लिश बाय रामपुर बैप्टिस्ट मिशन एंड एडिटेड बाय जॉन क्लार्क मार्शमैन, ठीक है, जॉन क्लार्क मार्शमैन, ओके। तो श्री राम के दर्शन इन मार्शी लैंड,
ठीक है, मार्शीलैंड बंगाल नदियों का इलाका है, ठीक है, खासकर जब मॉनसून का सीजन होता है तो बहुत दलदल जो है आपको मिलती है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बंगाल में आपको सुंदरबंस मिलते हैं, ठीक है, बंगाल में सुंदरबंस हैं, सुंदरबन एक कह लीजिए मार्शीलैंड एरिया है, ठीक है, डेल्टा बनता है। तो यहाँ पर श्रीराम से क्या हो गया, श्रीरामपुर, ठीक है, श्रीरामपुर में आपको ये मिलता है। दर्शन, दर्शन से हो गया दिग्दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन, और मार्शीलैंड से मार्शमैन, ठीक है, जॉन क्लार्क मार्शमैन। तो ये हो गया आपका दिग्दर्शन बाय जॉन क्लार्क मार्शमैन, कहां पर, श्रीरामपुर में, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आता है हरिश्चंद्र रे, हरिश्चंद्र रे बंगाल गेजेट, ठीक है, बंगाल गेजेट। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है आपको कि ये बंगाल गेजेट यहां पर भी है, ठीक है, बट यहां पर बंगाल गेजेट फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर 1818, ठीक है, हरिश्चंद्र रे, तो डोंट वरी सेम ऑप्शन नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट न्यूज़पेपर। सो बंगाल में गजब हरा चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है, बंगाल में गजब हरा चंद्रमा दिखाई देता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं है बट ट्रिक के लिए हमारा है। तो बंगाल में गजब, बंगाल में गजब, जैसे वहां पर बंगाल में गजब लोग थे, विविध लोग, है ना, ये इंडिया में गजब विविध लोग थे, हमने इस तरीके की ट्रिक बनाई है। ओके, हरा चंद्रमा, तो हरीश चंद्र, ठीक है, हरीश चंद्र, ठीक है, हरा चंद्रमा से हरीश चंद्र हो गया, बंगाल में गजब से बंगाल गेजेट हो गया, ठीक है, तो बंगाल गेजेट हरा चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका राजा राम मोहन रॉय, पेपर है संवाद कॉमेडी वीकली इन बंगाली 1821। अब ये काफी टफ है बट इंपॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम पेपर। ये जो बुक्स हैं इनकी, मिरात उल अकबर, गिफ्ट ऑफ मोनोथीस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये पूछा गया है पेपर में, सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसको याद करने हैं, थोड़ी ट्रिक बड़ी है तो समझते हैं। देखो अकबर का एक कंसेप्ट था दीन इलाही के, जिसमें वो सारे धर्मों के लोग आकर बैठें, बातचीत करें, ठीक है, एक दूसरे के बेस्ट चीज़ों से ज्ञान लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक भी कुछ ही उसी तरीके से है। तो राजा राम, जिनको राजा राम मोहन राय, जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ बंगाल रेनेसा कहा जाता है, जिन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स पे बहुत फोकस किया, तो वो भी इसी सोच के थे कि सब धर्मों से हमें बेस्ट चीज़ें लेनी चाहिए और हिंदू धर्म में जो बदलाव आने चाहिए वो लेकर आने चाहिए, ठीक है। तो राजा राम, सैम कौमदी, मीरा अकबर, ठीक है, तो सैम, सैम अंकल, या कह लीजिए यू कैन से इसको आप पारसी से या क्रिश्चियन से डिनोट कर सकते हैं। सो राजा राम, सैम कौमदी, मीरा अकबर, सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं तो औपचारिकता के लिए एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और जीसस के बारे में ज्ञान लेते हैं, ठीक है, जीसस के बारे में ज्ञान लेते हैं। तो राजा राम से राजा राम मोहन रॉय, सैम से क्या हो गया, संवाद कॉमेडी, ठीक है, सैम कॉमेडी, संवाद कॉमेडी, मीरा और अकबर से मिरात उल अकबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका गिफ्ट से क्या हो गया, गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, और जीसस से हो गया प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपकी बुक्स हैं, ये पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है, दो तीन बार जब आप इसको रिपीट करेंगे ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका राजा राम मोहन रॉय एंड द्वारकानाथ टैगोर एंड अदर्स। अब ये मिलकर है, ठीक है, मिलकर इन्होंने बंग दत्ता वीकली इन फोर लैंग्वेजेस, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, हिंदी। मकसद क्या था कि हर भाषा के लोग जो हैं इनकी बातों को समझ सकें, हम हर भाषा के लोगों तक पहुंच सकें, अपनी बात को ले जा सकें, ठीक है। तो राजा राम द्वारका के नाथ और बंगाल के दाता, ठीक है, ये डाटा नहीं है, दाता, ठीक है, से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कि द्वारका कहाँ पर है, द्वारका आपका गुजरात में और बंगाल, ठीक है, तो दोनों देश के जो है कोने हैं। अब दोनों जगह से राजा राम मोहन रॉय जो है अपना ज्ञान लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो राजा राम द्वारका के नाथ, और नाथ होता है बेसिकली प्रोटेक्टर, ठीक है, गॉड के लिए, तो द्वारका के नाथ श्री कृष्ण, ठीक है, और बंगाल के दाता से आशीर्वाद लेते हैं। तो राजा राम हो गया द्वारका के नाथ, द्वारकानाथ हो गया, और बंगाल के दाता से बंगदत्ता हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन लेड बाय रॉबर्ट नाइट, स्टार्टेड बाय थॉमस बेनेट, ठीक है। तो पेपर कौन सा है, बॉम्बे टाइम्स फ्रॉम 1861 ऑनवर्ड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वेरी फेमस टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट्समैन जो आज भी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, बेनेट कोलमैन जो है कंपनी कही जाती है। सो फाउंडेशन लेड बाय रॉबर्ट नाइट, स्टार्टेड बाय थॉमस बेनेट, तो दो लोग हैं इसमें। सो थॉमस भाई की नाइट रॉबरी, ठीक है, थॉमस भाई की
नाइट रॉबरी के चर्चे इंडिया की स्टेट बॉम्बे टाइम्स में छपी थी, ठीक है। इंडिया की स्टेट है बॉम्बे, उसमें बॉम्बे टाइम्स है, उसमें थॉमस भाई की नाइट रॉबरी, मतलब रात में जो रॉबरी की थी, उसकी काफी चर्चाएं छपी थी, ठीक है। तो थॉमस भाई से क्या हो गया, आपका थॉमस बेनेटन, ठीक है, भाई से बेनेटन, थॉमस भाई मतलब थॉमस बेनेटन, नाइट रॉबरी से क्या हो गया, ये रॉबर्ट नाइट, ठीक है, रॉबर्ट नाइट। और इंडिया के चर्चे, तो यहां पर इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसके बाद आपका बॉम्बे टाइम्स, ठीक है, बॉम्बे टाइम्स में छपी थी, तो बॉम्बे टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके न्यूज़पेपर्स या पेपर्स कहें, थॉमस बेनेटन और आपका रॉबर्ट नाइट, ठीक है। तो ये पेपर हो गया आपके बॉम्बे टाइम्स एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं, दादा भाई नरोजी, और इनका पेपर था रस्त गुफ्तार, ठीक है, रस्त गुफ्तार, गुजराती फॉर्टनाइटली, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत फेमस किताब है इनकी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। मान के चलिए कि ब्रिटिश रूल किस तरीके से भारत की जड़ों को खोखला कर रहा है, इस बुक ने पहली बार लोगों के सामने रखा कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल भारत के फेवर में नहीं है, भारत के जो है शोषण किस तरीके से कर रहा है। चलिए, तो दादाजी रात को गुफा में पॉवर्टी की बात करते थे, ठीक है, गुफा में बैठकर दादाजी बताया करते थे कि कितनी गरीबी थी, ठीक है, हमारे ज़माने में, और किस तरीके से हमने संघर्ष करके जो है धीरे धीरे हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो दादाजी से दादा भाई नरोजी हो गया, ठीक है, रात को, ठीक है, रात को गुफा में, तो रस्त गुफ्तार, ठीक है, रात को गुफा, रस्त गुफ्तार, ओके, पॉवर्टी, सो पॉवर्टी से क्या हो गया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी से पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये हो गया दादाजी, दादा भाई नरोजी, रात, रस्त गुफ्तार, तो ये होगी आपकी पेपर एंड एक बुक दादा भाई नरोजी के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका, आई नो बहुत टफ है ये, ठीक है, इसको आप वैसे अगर याद करने जाओगे, कई बार पढ़ोगे तो याद नहीं होता है, फिर आपको हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अगर पूछ लेगा कोई, तो कन्फ्यूजन बनी रहेगी, यार कन्फ्यूज हो गए कौन था, ठीक है। तो इन ट्रिक से जब आप इसको रिलेट करोगे, कई बार पढ़ोगे, बिल्कुल याद हो जाएगा पेपर में, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मार्क करके आओगे, ट्रस्ट मी। चलो, गिरीश चंद्र घोष, कैलकटा, पेपर है हिंदू पेट्रॉइट और बंगाली, ठीक है, हिंदू पेट्रॉइट और बंगाली। अब इसमें हमने क्या किया है, एक्रोनिम बनाया है, ठीक है, जी जी, ठीक है, जी जी और पेट्रॉइट का पी और बी, ठीक है, पेट्रॉइट का पी और बंगाली, तो जी जी पी बी, तो गुड गर्ल है पत्रालेखा बेन, ठीक है, पत्रालेखा, राजकुमार राव बहुत फेमस एक्टर है, उनकी वाइफ है, ठीक है, पत्रालेखा, तो पत्र, सो यहां पे पैट ले लिया हमने, पत्र, ठीक है, पत्रालेखा, पैट से पत्रालेखा, बेन से बंगाली, ठीक है, बंगाली, तो जी जी पी बी, तो गुड गर्ल है, गुड गर्ल है पत्रालेखा बेन, तो पत्रालेखा से पेट्रॉइट हो गया, पैट से बेन से बंगाली हो गया, और जीजी से क्या हो गया आपका, गिरीश चंद्र घोष, तो जीजी क्या हो गया, गुड गर्ल है गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, गुड गर्ल, सो जीजी, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो किसी जगह आप स्टोरी बनाइए, किसी जगह आप उसको एक्रोनिम बनाइए, इसी तरीके से आपको इन फैक्ट्स को याद रखना है। दिस इज द टेक्निक यूज्ड इन द एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स। आप ये सोच के चलिए, जो स्मृति की बात हम करते हैं, ठीक है, श्रुति और स्मृति की बात करते हैं, कि सुनकर कैसे पूरा का पूरा ग्रंथ याद किया जाता था, तो इसी तरीके से कहा जाता है कि आपको एक्रोनिम, स्टोरीज, चार्ट्स बनाने चाहिए, जिससे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, 1868, जैसोर डिस्ट्रिक्ट, इनकी जो है पेपर था अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, तो एक्रोनिम क्या बन रहा है, एबीपी, ठीक है, एबीपी एक बड़ा फेमस न्यूज़ चैनल है, ठीक है, तो एक्चुअली में जो अभी का एबीपी है उसका फुल फॉर्म है आनंद बाजार पत्रिका, ठीक है, आनंद बाजार पत्रिका ने इसको एक्वायर कर लिया था एबीपी को, तो वहां से ये एबीपी नाम आया, ठीक है, तो एक्चुअल वाला भी मैंने आपको बता दिया, बट हमें यहाँ ध्यान रखना है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो एबीपी के ऑफिस में बैठ के मोतीलाल सिसकियां ले रहे थे, ठीक है, एबीपी के ऑफिस में बैठकर मोतीलाल सिसकियां ले रहे थे, मतलब सिसक के रो रहे थे या सिसकियां ले रहे थे, तो मोतीलाल से मोतीलाल घोष हो गया, सिसकियां सिस से शिशिर कुमार घोष हो गया, और एबीपी से अमृत बाजार पत्रिका हो गया, तो एबीपी के ऑफिस में बैठकर मोतीलाल सिसकियां ले रहे थे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है
द हिंदू अखबार, जो हो सकता है बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे हों वो रोज डेली बेसिस पे द हिंदू अखबार को पढ़ते हों, फॉलो करते हों, ठीक है, तो उसी द हिंदू अखबार की हम बात कर रहे हैं। सो इनके जो फाउंडर्स थे गणपति दीक्षितार सुब्रमण्यम अय्यर, या सिंपली कहें तो जीएस अय्यर, वीर राघवाचारी अय्यर, और उसके बाद सुब्बाराव पंडित 1878 मद्रास में। द हिंदू न्यूज़पेपर, द वेरी फेमस हिंदू न्यूज़पेपर जो आज भी सर्कुलेशन में है। राघव एक डिवोट हिंदू हैं और सुबह सुबह गणपति की आरती करते हैं, ठीक है। राघव एक बहुत, मतलब कह लीजिए, हिंदू हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत डेडिकेटेड हिंदू हैं और सुबह सुबह गणपति की आरती करते हैं। तो राघव से हो गया वीर राघवचारी, हिंदू से द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, सुबह सुबह से सुब्बाराव हो गया, और गणपति गणपति से हो गया जीएस अय्यर, ठीक है, जीएस अय्यर गणपति अय्यर, ठीक है। तो ये हो गया आपका द हिंदू के फाउंडर्स, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका दयाल सिंह मजीठिया, ठीक है। दयाल सिंह मजीठिया द ट्रिब्यून, वेरी फेमस न्यूज़पेपर, एनीबडी फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में है ये न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून, ठीक है। चंडीगढ़ में जाएंगे तो पूरा एक चौक बना हुआ है, ठीक है, एक पूरा द ट्रिब्यून चौक है। एनीवन फ्रॉम चंडीगढ़ प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, ओके। सो द ट्रिब्यून, सो इसकी ट्रिक क्या है, त्रिभुवन दयालु हैं, ठीक है, त्रिभुवन दयालु हैं। त्रिभुवन कहा जाता है भगवान शिव को, ठीक है, महादेव। सो त्रिभुवन से ट्रिब्यून हो गया, दयालु से दयाल सिंह मजीठिया हो गया, ठीक है, दयाल सिंह मजीठिया हो गया, ठीक है। तो त्रिभुवन दयालु हैं। नेक्स्ट आपका तिलक चिपलांकर अगरकर, ठीक है। तो यहां पर इनका पेपर है केसरी महाराठी डेली और महारत्ता इंग्लिश वीकली। दो इन दोनों न्यूज पेपर्स में मेनली जो योगदान कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक का कहा जाता है, बट साथ साथ में इनके बारे में भी लिखा जाता है कि इनका भी योगदान था। चलो अब हम इसको देख लेते हैं। अगर तिलक चिपक जाए तो महाराष्ट्र में लोग केसर लगा लेते हैं, मतलब तिलक चिपक जाए, मतलब तिलक जो है काफ़ी स्ट्रांग आपके हेड पे लग गया तो उसके बाद केसर लगा लेते हैं। दो डजंट मेक एनी लॉजिकल थिंग, ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा है कि लॉजिक कुछ बन नहीं रहा है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू, क्योंकि बहुत तीन नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप लेकर आ रहे हैं एक जगह। तो तिलक से क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक, चिपक से चिपलांकर, ठीक है जी, और अगर से हो गया आपका अगरकर, ठीक है। तो ये तो नाम हो गए महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र से महारत्ता, ठीक है, और केसर से हो गया आपका केसरी, ठीक है, केसर से हो गया केसरी। तो तिलक अगर चिपक जाए तो उसकी जगह क्या लगा लेते हैं, केसर लगा लेते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका जीएस अय्यर जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, मद्रास में स्वदेश मित्रन तमिल पेपर, ठीक है, द हिंदू इंग्लिश पेपर है जो अभी भी है, ठीक है। सो अय्यर स्वदेशी साइंटिस्ट हैं, अय्यर एक स्वदेशी साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। सो अय्यर से हो गया जीएस अय्यर, स्वदेशी से स्वदेश मित्रम, ठीक है, स्वदेश मित्रम, तो जो है स्वदेशी एक साइंटिस्ट है। ये आपने एक सीरियल देखा होगा, ठीक है, उसमें आपने इनको देखा होगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को बता देना कौन सा सीरियल है और कहाँ पर इनको देखा है आपने, ठीक है, वहां से इसको रिलेट किया। बिपिन चंद्रपाल पब्लिशर 1886, पेपर है परिदशक वीकली। सो प्रदेश में बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, मतलब प्रदेश में जाकर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि किसी दूसरे देश में जाकर मन नहीं लगता, घूमने फिरने के लिए ठीक है बट रहने के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, अपना देश अपनी मिट्टी, ठीक है, सबसे बढ़िया। चलिए सो प्रदेश में, सो प्रदेश परिदशक, ठीक है, परिदशक बीपी से बिपिन चंद्रपाल हो गया, ठीक है, बीपी से बिपिन चंद्रपाल हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका बरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र दत्ता, ठीक है, भूपेंद्र दत्ता बंगाल में, ठीक है, पेपर का नाम है युगांतर, बहुत फेमस पेपर था ये, ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र दत्ता। मेरी बड़ी, देखो जब आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाते हैं, खासकर बिहार में जाते हैं, तो ड को र बोला जाता है, तो बड़ी को बरी बुआ, ठीक है, तो वहां से हमने थोड़ा सा इसको बनाया है बरी, तो बड़ी बुआ से भूपेंद्र, ठीक है, बुआ से भूपेंद्र, बड़ी से बरेंद्र, ठीक है, नए युग की हैं, मतलब मेरी बड़ी बुआ जो हैं वो उम्र उनके काफ़ी ज़्यादा है बट मॉडर्न ख्यालात की हैं, आगे की सोच रखती हैं, ठीक है, पुराने ज़माने की नहीं है, आज के नए युग की हैं, ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। सो बड़ी बरेंद्र, ठीक है, बुआ से भूपेंद्र, ठीक है, युग से युगांतर, तो बड़ी बुआ नए युग की हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट आता है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है, लंदन में, और इंडियन सोशोलॉजिस्ट इनका पेपर था, ठीक है, श्याम और कृष्ण, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्याम और कृष्ण दोनों ही इंडियन सोशल इश्यूज पर बहुत लर्नड व्यक्ति हैं, मतलब समाज को जानते हैं, ठीक है, और जैसे कहा जाता है कि किस तरीके से जब भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, ठीक है, जब कहा जाता है कि कई चीज़ें जब कही गई अर्जुन को करने के लिए, तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये एथिकल नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो कौरव हैं उनका कंडक्ट भी आपको देखना पड़ेगा, आपको समाज देखना पड़ेगा किस कंटेक्स्ट में है, तो सोशल इश्यूज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, द स्टोरी गोज लाइक दिस, ठीक है। तो श्याम और कृष्ण दोनों ही इंडियन सोशल इश्यूज पर बहुत लर्नड व्यक्ति हैं, ठीक है, तो श्याम कृष्ण इंडियन सोशल पे हो गया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो ये हो गया श्याम कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट आता है मैडम भीकाजी कामा, पेरिस में पेपर था, बंदे मातरम, ठीक है, बंदे मातरम, तो अब इसमें थोड़ा एक्रोनिम बनाया हमने, MBBM, तो MBBM मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, तो MBBM, तो MBBS होता है जैसे MBBM, तो मैडम भीकाजी बंदे मातरम, ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिक। नेक्स्ट आता है वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, बर्लिन दैट इज इन जर्मनी, ठीक है, पेपर था तलवार, ठीक है, तलवार, वीर तलवार से लड़ते हैं, ठीक है, वीर जो है तलवार से लड़ते हैं, तो वीर से हो गया वीरेंद्र, तलवार से जो है तलवार पेपर हो गया। नेक्स्ट आता है गदर पार्टी वैंकूवर, दैट इज इन विच कंट्री, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, वैंकूवर बहुत फेमस जो है शहर है, सो गदर नाम से क्लियर है, गदर पार्टी, गदर पेपर, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका स्टार्टेड बाय फिरोज शाह मेहता 1913 में, बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल डेली है, फिर मेहता जी बॉम्बे क्रॉनिकल में जाएंगे, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, मेहता जी आए हैं बॉम्बे क्रॉनिकल में जाएंगे, ठीक है, तो ये मेहता जी से हो गया फिरोज शाह मेहता, और बॉम्बे क्रॉनिकल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है के एम पानीकर, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ कालीदल मूवमेंट, पेपर था द हिंदुस्तान टाइम्स, के एम पानीकर, द हिंदुस्तान टाइम्स, आज भी ये पेपर है आपका सर्कुलेशन में। हिंदुस्तान में एक टाइम था जब पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, आजकल हम कहते हैं ना कि पानी जो एज अ रिसोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एक समय ऐसा था जब पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, तो पानी की दिक्कत नहीं थी मतलब पानीकर हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान में एक समय था जब पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट आता है मदन मोहन मालविया, पेपर था लीडर, ठीक है, लीडर इन इंग्लिश, तो यहाँ पर एम से हो गया महामना, ठीक है, इनका निक नेम क्या है, महामना, ठीक है, महामना पंडित मदन मोहन मालविया, ठीक है, तो महामना, एम से महामना हो गया, एल से लीडर हो गया, और एम से मदन मोहन मालविया हो गया, ठीक है, या सिंपल मालविया जी हो गया, सो एम से महामना, एल से लीडर, और एम से हो गया मालविया जी, ठीक है, सो महामना जो है एक बहुत बड़े लीडर थे मालविया जी, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया MLM एक होता है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM इज अ वेरी नोन, कह लीजिए एक्रोनिम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें वो एक मेंबर बनाओ, मेंबर बनाते जाओ, तो ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट शेयर होगा, तो ये जो है वहाँ से हमने इस ट्रिक को रिलेट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका EV रामास्वामी नायकर, पेरियार, ठीक है, पेरियार मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, बहुत फेमस, ओके, पेपर था कुड़ी अरासु, ठीक है, तमिल में कुड़ी अरासु, तो कुड़ी पंजाबी में कुड़ी किसको बोलते हैं, कुड़ी, मुंडा कुड़ी, ठीक है, मुंडा इज बॉय, कुड़ी इज गर्ल, ठीक है, लड़का लड़की बेसिकली, ठीक है, तो कुड़ी को रास नहीं आई नई कार, कुड़ी को रास नहीं, रास आई मतलब पापा ने नई गाड़ी दी थी, ठीक है, कुड़ी को, पापा की परी को नई गाड़ी दी थी, उसको मजा नहीं आया चला के, चलो, तो कुड़ी को रास, रास से अरासु, रास, यहाँ पर रास देखिए, ठीक है, नई कार से नायकर, ठीक है, नई कार से नायकर, तो कुड़ी को रास नहीं आई नई कार, ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ट्रिक। B.R. अंबेडकर 1927, बहिष्कृत भारत, मराठी फोर्टनाइटली, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इनकी एक कह लीजिए बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, What Congress and Gandhi have done to the untouchables, पेपर है बहिष्कृत भारत, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है सीधा, ठीक है, अनटचेबल से रिलेटेड है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने पूछा है, सवाल पूछा है कांग्रेस और गांधी जी से, ठीक है, सो बी बी और बी, बी आर अम्बेडकर से बी हो गया,
बहिष्कृत भारत से बीबी, ठीक है, तो बीबीबी, ठीक है, तो ये आपका एक्रोनिम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सचेंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, सचेंद्र नाथ सान्याल बंगाल में, पेपर था बंदी जीवन, ठीक है जी, बंदी जीवन, बंदी ने एक सच्चा जीवन जिया है, ठीक है, बंदी ने एक सच्चा, मतलब बंदी थे पर अपना सच्चा जीवन जिया, ठीक है, अपने पद से हटे नहीं, सो बंदी ने जीवन जिया है, तो बंदी जीवन सच्चा, सच्चा से हो गया सान्याल, ठीक है, सच्चा सचिंद्र, ठीक है, सच्चा सचिंद्र और सान्याल भी हो गया, ठीक है, सच्चा से सचिंद्र नाथ सान्याल। इनसे रिलेटेड एक व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर हैं, कौन है, ठीक है, नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, सान्याल सरनेम है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। चलो, स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू पेपर नेशनल हेराल्ड, अभी ये नेशनल हेराल्ड केस भी है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी उस पे हैं, बेल पे हैं, ठीक है, इसी नेशनल हेराल्ड केस, यही पेपर था जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था 1938। तो इसकी ट्रिक है जिन्ना, ठीक है, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना, तो जे एन से क्या हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू, और एन ए से हो गया नेशनल, एच से हो गया हेराल्ड, ठीक है, नेशनल हेराल्ड, सो जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ठीक है, तो ये हो गया आपकी ट्रिक जिन्ना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले से उनका पेपर है गुलामगिरी, ठीक है, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी, तो गुलाम ज्योत जगाते हैं लोगों में ताकि आज़ादी मिल सके, जो गुलाम हैं वो लोगों में, मतलब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ज्योत जगा रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, आज़ादी मिल सके, तो गुलाम ने, ठीक है, तो गुलाम से गुलामगिरी, ज्योत से ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले, ठीक है, लोगों में जागरूकता लेकर आए, दो सोशल रिफॉर्मर के रूप में ज्योतिबा फूले जी को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर सैयद अहमद खान, पेपर था कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, या बुक कह लीजिए, सर शायद म्यूटनी के कॉजेज जानने की कोशिश कर रहे थे, सर शायद म्यूटनी के जो कॉजेस थे, मतलब 1857 रिवोल्ट के जो कॉजेस थे उसको जानने की कोशिश कर रहे थे, तो सर शायद से सर सैयद, ठीक है, म्यूटनी, सो कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, कॉजेस जानना चाह रहे थे तो कॉजेज ऑफ म्यूटनी, ठीक है, तो सर शायद म्यूटनी के कॉजेस को जानना चाह रहे थे। चलिए नेक्स्ट आता है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बहुत फेमस 1975 में, जिसके बाद इमरजेंसी लगी, जेपी मूवमेंट जिसे कहा जाता है, ठीक है जी, आज के समय पर जो बहुत बड़े लीडर्स आप देखते हैं वो जेपी मूवमेंट से ही निकले हैं, ठीक है। सो टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, बुक थी टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, और एक बुक है वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, ठीक है, तो लोगों के नायक, लोकनायक, ठीक है, लोगों के नायक, लोकनायक नारायण, ठीक है, लोगों के नायक हैं नारायण, नारायण भगवान भी हैं, ठीक है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो, सब फ्रीडम फाइटर्स को सोशलिज्म की शिक्षा देते थे, तो जो जेपी थे या जयप्रकाश नारायण थे, वो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको क्यों सोशलिज्म होना चाहिए उसकी शिक्षा देते थे, तो यहाँ पर सब फ्रीडम फाइटर्स को, तो ऑल टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है, शिक्षा सोशलिज्म की शिक्षा देते थे, तो वाई सोशलिज्म, ठीक है, वाई सोशलिज्म, ठीक है जी, तो ये हो गया आपका जेपी नारायण, तो जेपी नारायण बेसिकली उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, बता रहे थे कि जो भी फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने 47 में लड़ाई लड़ी वो 75 में जिंदा थे, बहुत सारे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे, तो उनको बोल रहे थे कि अब दोबारा से आज़ादी की ज़रूरत है, अब किससे आज़ादी की ज़रूरत है, तानाशाही से आज़ादी की ज़रूरत है, तो अब जो है खड़े हो जाओ सारे, ठीक है, और क्यों समाजवाद की ज़रूरत है वो भी लोगों को समझाया उस समय पर, ठीक, तो ये जेपी मूवमेंट से मैंने इसको रिलेट किया है। नेक्स्ट आता है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, पेपर था पख्तून, अब पाकिस्तान का मैप आप देखोगे तो पाकिस्तान के मैप में जिसको हम पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा करते थे उसको आज के समय पर केपी कहा जाता है, केपी मतलब खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, सो गफ्फार जो हैं उसी जगह के रहने वाले थे, केपी के रहने वाले हैं, ठीक है जी, केपी मतलब खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, खैबर पख्तून, तो ये पख्तून पेपर हो गया, ठीक है, तो गफ्फार कहां के रहने वाले हैं, पख्तून गवा के रहने वाले हैं, तो पेपर का नाम हो गया पख्तून, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका लॉर्ड कर्जन, बुक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, क्योंकि वो तो यूके में बैठे हैं तो यूके में बैठकर ईस्ट की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो कर्जा, कर्जन से कर्जा, कर्जा प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, ठीक है, जब भी आप कर्जा लेते हैं, ज्यादा कर्जा ले लेता है कोई, तो हमेशा से वो प्रॉब्लम खड़ी करता है, ठीक है, तो कर्जा प्रॉब्लम खड़ी करता है, प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हार्डिंग टू,
ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग टू की बुक है माय इंडियन ईयर्स, ठीक है। तो इंडियन ईयर्स वर हार्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के समय पर, पूंजीवाद के समय पर, और जो इंडियन ईयर्स थे वो काफी हार्श थे, हार्ड थे, ठीक है। तो इंडियन ईयर्स माई इंडियन ईयर्स हो गया, हार्ड से हार्डिंग हो गया, ठीक है, हार्डिंग हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया लॉर्ड हार्डिंग टू। रोमेश चंद्र दत्त जो है, इनकी बुक है बहुत एक फेमस, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये कई बार पूछी गई है पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसकी ट्रिक है रामचंद्र, देखो रोमेश चंद्र, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र जी का मंदिर जो है, जो अभी बना रामलला जी का मंदिर इलाहाबाद में, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों का सुधार करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली कल्चर से भी रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स भी उसमें रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग रिलीजियस टूरिज्म के लिए वहां पहुंचेंगे तो उस जगह का विकास होगा, जो कि रिसेंटली देखा भी गया है। तो रामचंद्र जी का मंदिर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों का सुधार करेगा, तो रमेश चंद्र हो गया, रामचंद्र से रमेश चंद्र, ठीक है, और हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये बुक का नाम हो गया। नेक्स्ट आपका विभूति भूषण बैनर्जी, विभूति भूषण बैनर्जी, नॉवल है पाथेर पंचाली, एक मूवी भी है पाथेर पंचाली, मतलब पाथेर पंचाली इतनी फेमस मूवी मानी जाती है कि अगर आपको सिनेमा के बारे में पढ़ना है अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, पाथेर पंचाली मूवी को दिखाया जाता है, मतलब वो सिलेबस का पार्ट है, वो इतनी फेमस जो है वो मूवी मानी जाती है, ठीक है, पाथेर पंचाली। तो यहां पर बी 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 और पी पी, तो ब प, ठीक है, बहुत सिमिलर साउंडिंग है, अगर हम हिंदी में जब हम पढ़ते हैं क ख ग तो प फ ब, ठीक है, तो ब और प ये आपके सिमिलर साउंडिंग है, ठीक है, जो आपके लिप्स हैं वो क्लोज होते हैं, तो वहां से हमने इसको किया है ब ब ब प प। सो विभूति भूषण बैनर्जी पाथेर पंचाली, ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिक। ओके, नेक्स्ट है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, आखिरी तक देखना सेशन को, बहुत सारी चीजें अभी भी हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, दिमाग में इसको रिटेन करना मुश्किल है, बट आप इसको दो तीन चार बार देखेंगे बिल्कुल सेट इन हो जाएगा दिमाग में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगेन कई बार पूछा गया है इसके ये क्वेश्चन। माँ सरस्वती ज्ञान से सत्य का प्रकाश दिखाती हैं, ठीक है, सत्य का प्रकाश दिखाती हैं, तो माँ सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, ठीक है, माना जाता है। सो माँ सरस्वती, तो सरस्वती से क्या हो गया, दयानंद सरस्वती, ठीक है, सत्य का प्रकाश दिखाती हैं, ठीक है, सत्य का प्रकाश दिखाते हैं, नॉलेज देती हैं, तो ये हो गया आपका सत्यार्थ प्रकाश, सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, 1873 कैलकटा, पेपर है बंग दर्शन, ठीक है, इनका एक बुक्स भी हैं, तो पहले पेपर को देख लेते हैं। देखो बंकिम चंद्र चटर्जी हमने याद किया है बाकी की चाट, ठीक है, बाकी की चाट बंगाल दर्शन के बाद खाएंगे, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि आप पूरे भारत भ्रमण पे हो, भारत दर्शन कर रहे हो, पूरे भारत को देख रहे हो, तो अब कहा गया कि बाकी की चाट, चाट खानी बड़ी पसंद है, कि अभी चाट मत खाना, आपकी ठीक नहीं चल रही है सेहत, तो बाकी की चाट बंगाल जब हम पूरा घूम लेंगे उसके बाद खाएंगे, ठीक है, बाकी की चाट बंगाल दर्शन के बाद खाएंगे, ठीक है, तो बाकी की चाट से बंकिम चंद्र चटर्जी और बंगाल दर्शन बंग दर्शन हो गया, ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड हमारी दूसरी ट्रिक भी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी बुक्स हैं आनंद मठ, बहुत फेमस, आनंद मठ से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगेन आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन बीच बीच में पूछ रहा हूँ इसका आंसर लिखिए, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, जब आप चीज़ों को लिखते हैं ध्यान से सुनते हैं इससे आपकी रिटेंशन बढ़ती है, ठीक है, चीज़ों की। ओके, सो देवी चौधरानी अगेन बहुत फेमस किताब है सीताराम, तो बाकी की चाट देवी सीता और राम जी के साथ आनंद से खाएंगे, ठीक है, जैसे बाकी की चाट बंगाल के दर्शन के बाद खाएंगे वैसे ही बाकी की चाट देवी सीता और राम जी के साथ आनंद से खाएंगे, ठीक है। चलो तो बाकी हो गया बाकी की चाट से बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी सीता, ठीक है, देवी से हो गया देवी चौधरानी, सीता और राम जी सीताराम, ठीक है, आनंद से हो गया आनंद मठ, ठीक है, दोबारा से बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी से देवी चौधरानी, सीता और राम जी से सीताराम हो गया, आनंद से खाएंगे सो आनंद मठ, ठीक है, तो ये होगी आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक्स। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया के इंडियंस के लिए बहुत स्ट्रगल किया नेताजी ने, ठीक है, इंडियंस के लिए बहुत स्ट्रगल किया नेताजी ने, नेताजी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस,
इंडियंस के लिए बहुत स्ट्रगल किया, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आता है सैयद अमीर अली, ठीक है। बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, द बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ट्रिक इसकी क्या है, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम काफी अमीर है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इस्लाम ब्रदरहुड की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, साथ में मिलकर रहने की बात करती है। तो स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है, ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है, वो बहुत अमीर है, बहुत रिच है, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ इस्लाम हो गया अमीर से सैयद अमीर अली हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एस एन बैनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। नेशन इन द मेकिंग, सुंदर नेशन बन रहा है, है ना। हम कह रहे हैं आजकल के जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सुंदर नेशन बन रहा है। तो सुंदर से सुरेंद्र नाथ बन रहा है बैनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग, नेशन बन रहा है, नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। सुंदर नेशन बन रहा है, अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सुंदर देश बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, बुक का नाम। तो लाला लाजपत राय वॉज अनहैप्पी विद इंडियाज कॉलोनाइजेशन, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है वो इंडिया की कॉलोनाइजेशन से दुखी थे। साइमन गो बैक के नारे लगाए, जब उनको लाठीचार्ज हुआ उनकी, उसके बाद जो है देहांत हो गया था, ठीक है। उसके बाद सॉन्डर्स का मर्डर होता है, द होल स्टोरी गोज लाइक दिस, ठीक है जी। तो लाला लाजपत राय वॉज अनहैप्पी विद द इंडियाज कॉलोनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट आता है वी डी सावरकर, ठीक है। अभी रिसेंटली मूवी भी आई उन पर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत फेमस किताब है। अगेन वी डी सावरकर जी की ये बहुत फेमस किताब है, जिसमें वो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं। सो इंडिपेंडेंस का वॉर देश को संवारने के लिए था, ठीक है। इंडिपेंडेंस का वॉर क्या था, देश को संवारने के लिए था। सो इंडिपेंडेंस का वॉर हो गया फर्स्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और संवारने से क्या हो गया, सावरकर, ठीक है। संवारने से सावरकर, ठीक है जी। तो ये हो गया वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, नॉट अनडिवाइडेड, डिवाइडेड। तो इसमें हमने ट्रिक क्या बनाई है, राजाओं के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से इंडिया हमेशा डिवाइडेड रहा। राजाओं के जो अलग अलग राजा थे भारत में, उनके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से इंडिया हमेशा डिवाइडेड रहा, ठीक है। तो राजाओं से राजेंद्र प्रसाद हो गया, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड रहा, मतलब इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक। चलिए नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या है, लाल, तो इंडिया के हर लाल, हर लाल, जवाहरलाल, हर लाल, तो इंडिया के हर लाल को इंडिया को डिस्कवर करना चाहिए। इंडिया को डिस्कवर करने का मतलब आप भारत को घूमिए, भारत के कल्चर को समझिए, भारत की भाषाओं को समझिए, भारत के समाज को समझिए, तो वो घूम के होगा, डिस्कवर करिए, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो इंडिया के हर लाल को, हर लाल मतलब जवाहरलाल, ठीक है, इंडिया को डिस्कवर करना चाहिए, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बुक। नेक्स्ट आता है दीन बंधु मित्रा, बंगाली प्ले नील दर्पण, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये। सो दीन बंधु मित्रा, देखो इसकी ट्रिक क्या है, दीन बंधु, सो बंधु और मित्रा दर्पण दिखा देते हैं, ठीक है। जो दोस्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दोस्त लोग आपको सही बताते हैं चीजें, एक बार में हो सकता है कड़वी लगे, बुरी लगे, बट आपको सही सही बताते हैं कि हाँ भाई, आपका सही एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। फ्रेंड्स आर लाइक मिरर्स, यू कैन सी योरसेल्फ जस्ट बाय लुकिंग एट देम, ठीक है। दोस्त जो हैं वो मिरर्स की तरह हैं, शीशे की तरह हैं, उनको देखकर आप अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है, आप अपने आप को उनमें देख सकते हैं, ठीक है। तो बंधु और मित्र, तो यहां पर दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु मित्रा और दर्पण, ठीक है, दर्पण, सो दर्पण से नील दर्पण, ठीक है, दिखा देते हैं, बंधु और मित्र दर्पण दिखा देते हैं। नेक्स्ट आता है एम के गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, बुक का नाम है हिंद स्वराज, बहुत फेमस, और इंडियन होम रूल, हिंद के स्वराज की आंधी ले आए गांधी, ठीक है, हिंद के स्वराज, हिंदुस्तान के स्वराज की, या हिंद स्वराज की आंधी ले आए गांधी, ठीक है, तो थोड़ा राइमिंग सी बन रही है। सो हिंद स्वराज, हिंदुस्तान का स्वराज, हिंद का स्वराज, आंधी ले आए गांधी, तो ये हो गया आपका गांधी जी, ठीक है, ये किताब लेकर आए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन। बहुत सारे फैक्ट्स, कोर फैक्ट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पेपर में आपको हमेशा ये तंग करते हैं, तो इसकी हमने शॉर्ट स्टोरीज, निमोनिक्स,
बनाने की कोशिश की है। इसको आप 3-4 बार पढ़ लेंगे, ट्रस्ट मी आप नहीं भूलेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर पाएंगे। बी बी पी पी पी, ठीक है, पत्र लेखा बेन किस में पढ़ा था हमने, तो इस तरीके से आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, पढ़ना नहीं है सिर्फ। जब भी आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू रिकॉल इन द माइंड कि मैंने कल पढ़ा था क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक्टिवली रिकॉल करेंगे बुक को बंद करके, जस्ट सी, देन यू विल बी एबल टू मेमोराइज दिस ट्रिक्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ फॉलो द टीम निशा चैनल एंड प्लीज़ गिव अस द सजेशंस ऑल्सो फॉर वॉट वी शुड मेक द वीडियोज ऑन, ठीक है, किस किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोज चाहिए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।